दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का नया रिलीज आने वाला है 3.0 का, उसमें जो नया फीचर्स ऐड किया गया है, जीएसटी का टैक्स जो रेट सेटअप है, एचएसएन कोड का जो सेटअप है वो किस प्रकार से वर्क करेगा, और अभी जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट रिलीज जो चल रहा है 2.1 का, उसके अंदर जीएसटी टैक्स रेट का सेटअप और एचएसएन कोड का जो सेटअप है वो प्रॉपर किस प्रकार से वर्क कर रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, आने वाले रिलीज के अंदर इस सेटअप से अकाउंटेंट को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम दोनों रिलीज के अंदर कंपेयर करके प्रैक्टिकल वीडियो से समझने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी हम इस नए फीचर्स का उपयोग आने वाले टाइम के अंदर कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट रिलीज जो अभी चल रहा है 2.1 का, तो उसमें हम बेसिकली जीएसटी का जो टैक्स सेटअप रेट है वो दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला, कि जब हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं तो उस लेजर के दौरान हम उसका जीएसटी का टैक्स सेटअप रेट यहां से कर देते हैं, और पहला, और दूसरा आ गया जब हम कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के दौरान हम यहाँ पे जीएसटी की सेटअप है वो यहां से डिटेल इसके अंदर फिलअप कर देते हैं। लेकिन जो 3.0 का आने वाला रिलीज है उसके अंदर हम चार जगह पे जीएसटी का टैक्स रेट और एचएसएन कोड को डिफाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों जो नया आने वाला रिलीज है इसके अंदर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू से इसको समझने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जो नई चेंजिंग करी गई है, तो हम 3.0 के अंदर जैसे हम टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद में हम F11 करके जब जीएसटी की प्रॉपर सेटिंग करेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर नया ऑप्शन हमारे सामने ये दे दिया गया है भी आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो सकता है या मीडियम के दौरान अगर आपने सरेंडर कर दिया तो ये इनएक्टिव हो जाता है। हम फिलहाल इसको एक्टिव रखेंगे और उसके बाद हमारा स्टेट वगैरह और ये जीएसटी नंबर वगैरह सारा सेटअप हम यहाँ से कर देंगे, जो कि अभी बेसिकली हम करते आ रहे हैं। और उसके बाद में एक नया ऑप्शन यहाँ पर एड कर दिया गया, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। ये 3.0 के अंदर आपको ये फीचर देखने को मिलेगा, इसको हम यस करेंगे। अब इसको यस करने से क्या होगा, अब यहां पर उन कंपनी को फायदा मिलेगा जिस कंपनी के अंदर पर्टिकुलर एक ही एचएसएन कोड के प्रोडक्ट सेल किए जाते हो या फिर पर्टिकुलर एक ही टैक्स रेट के कोई प्रोडक्ट है जो सेल किए जाते हो। तो अगर आपके पास ऐसे कोई प्रोडक्ट है जिसका एचएसएन कोड एक ही रहता है और टैक्स रेट भी एक ही रहता है, तो आपको शुरुआत के अंदर ही उसका जीएसटी टैक्स रेट है जो सेटअप कर देना है, तो बाद में आप आगे आपको नया तो कोई स्टॉक आइटम के अंदर चेंज करना पड़ेगा और ना ही कोई आपको किसी भी लेजर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने F11 किया, हमने ये कोई लेजर नहीं है, ये जीएसटी का स्टार्टअप है, ठीक है ना, जब स्टार्टिंग की जो हम सेटिंग करेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर एचएसएन कोड हम तीन तरीके से देख सकते हैं, शो मोर के अंदर जाएंगे तो ये कह रहेगा भी आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक हम डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं, यूज आप जीएसटी क्लासिफिकेशन भी यूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ से कोई वाउचर के अंदर स्पेसिफिक इसके अंदर यूज कर सकते हो। मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया, ये सारी डिटेल हम यहाँ पे देंगे, एचएसएन कोड मान लीजिए हमने किसी प्रोडक्ट का 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया और डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट का यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद में उसका जीएसटी का टैक्स रेट भी सेम है तो हम स्पेसिफिक हेयर करेंगे और टैक्सेबल। अब मान लीजिए वो प्रोडक्ट हमारे पास कंपनी के अंदर 5% के ही प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, उसके बाद के अंदर सारी डिटेल हमारी, और उसके बाद में जैसे ये ऑप्शन हमारे पास आएगा, ये ऑप्शन भी आपके पास आएगा एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन डिटेल। अब इसके अंदर जैसे हम इसको यस करेंगे तो यस करने के बाद के अंदर ये कुछ डिटेल हमारे सामने आगे और भी ओपन हो जाएगी, जीएसटी यूटिलिटी से रिलेटेड है तो हम इसको एक बार नो रखेंगे और मैंने इसको कंट्रोल ए के साथ सेव कर दिया। अब इसका फायदा हमें क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए हमने कोई लेजर क्रिएट किया सेल का या परचेज का लेजर हम क्रिएट करते हैं, हमने लिख दिया कि परचेज जीएसटी 5% लेजर हमने क्रिएट कर लिया, अंडर में हम इसको रख रहे हैं परचेज अकाउंट के, तो जैसे हमने इसको परचेज अकाउंट लिखा तो उसके बाद ये कह रहा है भी आप जो जीएसटी से रिलेटेड जो डिटेल है आप एज पर कंपनी में जो आपने शुरुआत में दी थी वही रखना चाहते हो
तो आपके सामने जो हमने 1, 2, 3, 4, 5 दिया था डिस्क्रिप्शन के अंदर आइटम का नाम हमने लिख दिया था वही आपने रखना है, या फिर आप यहाँ पर इसको चेंज करना चाहोगे। तो अगर आप एज पर कंपनी रखोगे तो जो हमने स्टार्टिंग में दे दिया था वही यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम चेंज करना चाहें तो हमारे सामने एक ऑप्शन भी ये भी आएगा यहाँ पर डिटेल हेयर का, डिटेल हेयर के अंदर, यानी कि आप कोई स्पेसिफिक अगर कोई डिटेल यहाँ से अलग से देना चाहते हो तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आप कंपनी का रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो कंपनी पे रख दो, आपका डाटा उस हिसाब से ये पिक करेगा। ये तो था हम कोई लेजर क्रिएट करेंगे उस वक्त की बात। अब हम कोई स्टॉक आइटम अगर हम क्रिएट करेंगे, मान लीजिए मैंने एक आइटम का नाम लिखा आइटम ए, ठीक है, अंदर हम प्राइमरी रखते हैं और यूनिट इसके अंदर हम इसको रखते हैं पीसीस के अंदर, और उसके बाद में आप यहां पर इसकी डिटेल अगर देखें तो इसकी डिटेल भी आप यहां से देख सकते हो, एचएसएन कोड वगैरह जो हमने कंपनी की शुरुआत में दे दिया था वो यहां से ऑटोमेटिक इसने पिक कर लिया, ठीक है। और दूसरा इसका जो जीएसटी का जो टैक्स रेट है वो भी कंपनी डिटेल के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर ऑटोमेटिक ही पिक कर लिया। तो ये हमें एक बेनिफिट मिलेगा हर आइटम के अंदर, यानी कि अब हर स्टॉक आइटम के अंदर आपको ये डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दो, पहला ऑप्शन लेजर क्रिएट करते वक्त, दूसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त। और जब हम इसी प्रोडक्ट की अगर हम कोई परचेज इंट्री करेंगे, मान लीजिए F9 पे जाते हैं, हमने कोई वाउचर नंबर यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद में कोई पार्टी का नाम हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया ABC ट्रेडर्स, तो ये हमारी कंपनी के लिए सप्लायर है, हम इसको सैलरी क्रेडिटर में रखेंगे। और उसके बाद में मान लीजिए हमने इसको रेगुलर रखते हैं, GST नंबर को अवॉइड करते हैं, आइटम ए हम सिलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी हमने 1 कर दी, रेट हम 100 रखते हैं, परचेज 5%। तो अब चौथा ऑप्शन हमारे से यहाँ पर भी पूछेगा GST रेट से रिलेटेड जो डिटेल है हमारी, ये कह रहे भी आप अपने कंपनी का जो मास्टर डाटा है उसी को रखना चाहोगे या आप यहाँ पर इसके अंदर कुछ चेंजिंग भी करनी है। तो चेंजिंग करनी है तो आप इसके अंदर टैक्स रेट यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है हमारे पास स्टॉक आइटम नाम है, सेम नाम है, लेकिन उसके टैक्स रेट अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको मैनुअल रूप से इसका टैक्स है जो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी आइटम है, मान लीजिए बहुत कम रियल सेल्स के अंदर आपके पास ऐसा होता है भी आपको टैक्स रेट है जो चेंज करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर आप वाउचर के मिड के अंदर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। आप क्लासिफिकेशन अगर आपने यूज कर रखा है तो उसको भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने कंपनी का मास्टर डाटा भी आप यूज कर सकते हो। तो यानी कि ये जो GST का जो टैक्स रेट सेटअप है HSN कोड से, तो हम इसको यहाँ पर 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, ये जब हमने F11 करके और यहाँ पर GST की डिटेल्स है इसके अंदर यहाँ पर भी हमने सेटअप कर दिया। अगर यहाँ पर आपने सेटअप कर दिया और आगे आप चेंज करना चाहो या कोई नया बनाना चाहो तो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये होता है भी अगर आपके पास एक ही टाइप के प्रोडक्ट हैं, एक ही टाइप के प्रोडक्ट के अंदर आपकी कंपनी जो डील करती है, यानी कि मल्टी टैक्स रेट हम यूज नहीं करते। अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पर आपने बाय डिफॉल्ट बना भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लेजर क्रिएट करते वक्त भी इसको मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो GST टैक्स रेट सेटअप है HSN कोड का आने वाले रिलीज के अंदर कुछ इस तरीके से ये वर्क करने वाला है। तो ये जो नया सेटअप है, नया फीचर्स है, ये आपको कैसा लगा, कितना यूजफुल है अकाउंटेंट के लिए, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना।